टीकमगढ़ शहर में इन दिनों चोर सक्रिय होते जा रहे हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में लगातार जुटे हैं। पुलिस कोतवाली से महज 100 किलोमीटर दूर स्थित शहर के स्टेट बैंक चौराहे के पास मंगलवार की रात गोलू मोबाइल के चोर ने ताले चटका दिए और चोरी करने का प्रयास किया। किन्हीं कारणों वश चोर सफल नहीं हो सके। सोचने वाली बात यह है कि चौराहे के समीप शहर के एक नहीं चार चार बैंक मौजूद है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि शहर का स्टेट बैंक चौराहा चोरों से सुरक्षित नहीं है तो शहर के बाहरी इलाके कितने सुरक्षित होंगे। शहर के दुकानदारों ने कोतवाली पुलिस पर आरोप लगाया है कि शहर में ना तो पुलिस द्वारा रात्रि गश्त दिया जाता है और ना ही शहर की निगरानी की जा रही है, इसलिए शहर में इन दिनों चोर फल फूल रहे हैं। मुख्य चौराहों पर नगरपालिका और जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते अधिकतर चौराहों के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं, जिससे चोरों को खुली छूट मिल रही है। शहर के सभी मोबाइल शॉप दुकानदारों ने कोतवाली पुलिस को आवेदन देकर चोरों पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। सेंट्रल लोग खोलने की कोशिश की गई है, इसके एवज में हम लोग अभी थाने गए थे, टीआई मैडम से मुलाकात हुई, वहाँ उनका आवेदन लेकर आए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि स्टेट बैंक चौराहा कोतवाली से लगा हुआ है और यहाँ चार बैंक हैं, स्टेट बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ग्रामीण बैंक है और सेंट्रल बैंक है। चारों में गार्ड होते हैं। इसके अलावा थाने से जो गश्त कराई जाती है वो गश्त कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो चौराहा है ये शहर का बिल्कुल मेन चौराहा है। अगर यहाँ ताले टूट सकते हैं तो पूरा शहर कहीं भी सेफ नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, पूरे चौराहे पर आदमी अंधेरा रहता है, कहीं भी कैमरा नहीं है। आप अगर अपना कैमरा घुमाएंगे सामने वो कैमरा लगा हुआ है जो सरकारी, वो भी पूरा लटका हुआ है, कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग घटना स्थल पर सुबह जब दुकान खोलने के लिए आए तो हमारे गोली भाई उनकी शॉप है, उनने फ़ोन करके हमको बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, हमारी दुकान के ताले टूट चुके हैं। जब हम लोग यहाँ आए हम लोगों ने देखा कि ताले टूट चुके हैं, हम लोग कोतवाली गए, कोतवाली में जाने के बाद आवेदन दिया, मैडम बोले कि FIR इस पर नहीं होगी क्योंकि चोरी अभी नहीं हुई है। तो इसका मतलब कि हम लोग चोरी होने का इंतजार करें कि आप कोतवाली और गश्त पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि रात में यहाँ पर। हम तो ये चाहते हैं कि कोतवाली के बगल में भैया स्टेट बैंक चौराहे पे जब यहाँ पे ताले टूट सकते हैं तो शहर कहाँ से महफूज होगा, कहाँ से पूरे शहर में हम लोग सेफ माने कि कहीं के भी ताले टूट जाए। तो मैं तो देख रहा हूँ पिछले 15 दिन में एक के बाद एक चोरियाँ हो रही हैं, मोटरसाइकिल जा रही है, किसी के घर से ताले टूट रहे हैं, किसी का कोई सामान जा रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।